आज दिल्ली दौरे पर सीएम धीरज सिंह रावत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम, हफ्ते भर के भीतर दूसरी बार दिल्ली दौरा। बलिया बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के फिर से बिगड़े बोल, कहा 370 पर दिए बयान को लेकर दिग्विजय सिंह पर दर्ज हो देशद्रोह का केस, सरकार दिग्विजय को भेजे पाकिस्तान। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। कातिल कोरोना के त्राहिमाम की तस्वीरें हम सब ने देखी, इस वायरस के दिए दर्द की गूंज अब तक है। जिसने भी वायरस की तबाही का मंजर देखा उसकी आंखों में वो इल्म आज तक दिखता है। लेकिन अब और बड़ा खतरा हमारे सामने खड़ा है जिससे बचने पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट पर पहले आप गौर करें। कोरोना काल में एबीपी गंगा का जागरूकता अभियान। एबीपी गंगा आपको बताएगा वायरस से बच्चों को बचाने का विजय प्लान। एबीपी गंगा पर एक्सपर्ट्स बताएंगे कि कैसे कोरोना की तीसरी लहर में रहें सावधान। एबीपी गंगा पर विशेषज्ञ बताएंगे ब्लैक फंगस से लड़ने का बुलेट प्रूफ कवच। खास पैनल के साथ एबीपी गंगा पर जानिए क्या है महामारी का सुरक्षा कवच। महामंथन में जानिए महामारी को मात देने वाला मैजिकल फॉर्मूला। एबीपी गंगा पर आने वाले खतरे की सबसे बड़ी पड़ताल। आखिर कब खत्म होगा कातिल कोरोना का कोहराम। कातिल दुश्मन को निपटाने का क्या है फुल प्रूफ प्लान। प्रदेश के बड़े डॉक्टर बताएंगे कोरोना के संग कैसे लड़ें फंगस से जंग। एबीपी गंगा पर महामंथन में जानिए कोरोना से बचाने में कितना कारगर होम्योपैथिक इलाज। एबीपी गंगा पर आज सबसे बड़े पैनल के साथ जानेंगे कोरोना का संजीवनी मंत्र। और इस बहुत ही गंभीर बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने का प्लान हमें बताने जा रहे हैं डॉक्टर दिव्यांग पाठक। बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर मनदीप बसु हमारे साथ जुड़े हैं, वो बताएंगे कि ब्लैक फंगस के कहर से कैसे बचें आप, आंखों की सुरक्षा कैसे की जाए इस दौर में। और हमारे साथ आगे जुड़ेंगे होम्योपैथी का इलाज इस मामले में कितना कारगर हो सकता है ये बताने के लिए डॉक्टर एसपीएस बख्शी। आप सभी का बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर दिव्यांग पाठक, बार बार ये बात सामने आ रही है कि बच्चों को तीसरी लहर में ज्यादा खतरा हो सकता है, वो ज्यादा बड़े खतरे का सामना कर सकते हैं और इसलिए विशेष तैयारी की जा रही है। बहुत सारे राज्यों में हम देख रहे हैं स्पेशल बेड्स की व्यवस्था की जा रही है, जो ट्रीटमेंट उसके लिए आवश्यक है उसकी बात की जा रही है। सर आप इस खतरे को कैसे देखते हैं और किस उम्र के बच्चे इससे प्रभावित हो सकते हैं या क्या इसमें संभावनाएं बन सकती हैं। देखिए ये जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंच सकती है, ये अभी भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात है क्योंकि छोटे बच्चों को, जहां तक बच्चों में भी कैटेगरीज होती है कि बहुत छोटे बच्चे हैं या थोड़े बड़े बच्चे हैं, एडोलेसेंस टाइप के बच्चे जी। तो छोटे बच्चों में अगर देखा जाए तो अभी भी संभावना ये है कि उनको बहुत कम प्रभावित होंगे या संक्रमित तो वो पहले से हो रहे हैं, लेकिन क्या वो सीरियस होंगे, वो सीरियस होने की संभावना कम है। जो अभी तक है कि बच्चों को जितनी भी सीरियसनेस होने की संभावनाएं हैं ये ओवरऑल जो देखा जाए तो ये कम है। हाँ ये जरूर है कि थर्ड वेव आने की संभावनाएं हैं,
जो एज ग्रुप जो इसमें प्रभावित होने की संभावनाएं ज्यादा ये दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि शायद 15 या 16 साल या 12 साल से लेके 20-25 साल तक के लोगों को इसमें ज्यादा सीरियसनेस की संभावनाएं हैं, लेकिन छोटे बच्चे अभी भी उसमें स्पेयर हो होंगे। जबकि वैक्सीन अभी भी उनके अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारा ये अनुमान है कि बाकी लोगों के संक्रमण की वजह से बच्चों का भी संक्रमण अभी तक काफी हद तक हो चुका है, जिस वजह से वो शायद इस बीमारी से अभी बचे रहेंगे, तो इतने पैनिक होने की सिचुएशन अभी फिलहाल नहीं है। डॉक्टर पाठक, यही बात एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कही। उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए थे और कहा था कि उनको नहीं लगता कि बहुत छोटे बच्चे इससे प्रभावित होने जा रहे हैं, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि 15 वर्ष से ऊपर यानी किशोर और युवा, 25 वर्ष तक के युवा इससे प्रभावित हो सकते हैं, 18 वर्ष या उससे ऊपर तो वैक्सीन लग भी रही है। क्या वजह है इसकी कि ये ग्रुप प्रभावित हो सकता है तीसरी लहर में? देखिए, वजह यह है कि जो मैक्सिमम जो वैक्सीनेशन है वो 18 साल के ऊपर हो रही है। जी अभी भी पूरी वैक्सीनेशन अभी तक पूरे साथ सबको हुई नहीं है। जो भी हुई है वो फर्स्ट डोज हुई है, सेकेंड डोज तक नहीं गई है। जी तो फर्स्ट डोज से वैक्सीन लेने से इम्यूनिटी नहीं आती है, वो सिर्फ एक सेंसिटाइजेशन होता है। और सेकेंड डोज वैक्सीनेशन लेने के बाद ये इम्यूनिटी पूरी होती है या एंटीबॉडीज बननी शुरू होती है। तो हम लोगों को ये चीज वेट करनी पड़ेगी कि पूरी वैक्सीनेशन पहले ड्राइव खत्म हो, तब जाके ये इम्यूनिटी बेटर आएगी। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी है कि क्या कोरोना वायरस खुद में वापस से म्यूटेशन लेके आता है या बदलता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये नहीं देखा कि अभी कोई दूसरा कोरोना वायरस फिर से एक म्यूटेशन ले रहा हो जो जानलेवा या खतरनाक साबित हो। तो ये कुछ चीजें ऐसी टेक्निकलिटीज हैं जो अभी बताना मुश्किल है। हाँ, थर्ड वेव आने की संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि लोग अभी हमारे पूरे तरीके से, जैसे सेकेंड वेव कम होती चली जा रही है तो लोग प्रिकॉशंस भी कम ले रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर प्रिकॉशंस हर आदमी या हर नागरिक लेगा हमारे जी देश जी में तो थर्ड वेव नहीं आएगी। तो इसको इसका अनुमान लगाते हुए ये है, लेकिन जो कम उम्र के लोगों हैं उनको संक्रमित होने के चांसेस यही है क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन पूरी तरीके से नहीं हुई है या कोरोना वायरस कुछ तरीके से चेंजेस हो जाए इसलिए, म्यूटेट और कोई अलग तरीका नहीं। ठीक है डॉक्टर पाठक, आपने महत्वपूर्ण बात कही, इस बात पे आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन ब्लैक फंगस पे बात भी करना आवश्यक है। डॉक्टर मनदीप बसु उसके लिए हमारे साथ है, और हमारे साथ होम्योपैथिक इलाज पे बात करने के लिए डॉक्टर बख्शी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर बख्शी, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर मनदीप बसु, ब्लैक फंगस इतना भयावह रूप से सामने आया पिछले दिनों प्रदेश में और देश में कि लोग डरे हुए हैं। अचानक इसके भी केसेस बढ़े, हमने देखा बहुत सारी जगहों से केसेस, बड़े बड़े हॉस्पिटल से केसेस रिपोर्ट हुए, उन लोगों के भी केसेस रिपोर्ट हुए जो कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार हो चुके थे, और ऐसे भी केसेस आए जहां पर संक्रमण नहीं हुआ था उनमें भी ब्लैक फंगस डिटेक्ट हुआ। सर, ये क्या चीज है, ये कैसे संक्रमित कर रहा है, इस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, ब्लैक फंगस जो है वो कोई नई बीमारी नहीं है, हमें ये सोच समझना पड़ेगा। ये पहले भी थी, एज आई डॉक्टर हमारे पास पहले भी ब्लैक फंगस के केसेस आते थे जी। अभी इसलिए ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज इस टाइम जो इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज लोग बहुत है आफ्टर कोविड, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है, जिन्होंने स्टेरॉइड्स का बहुत यूज किया है और उसके बाद उनकी डायबिटीज बढ़ी, इसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो है। और ऐसा नहीं है कि कोविड वालों को ही हो रहा है, पहले भी ये जो भी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज पेशेंट होते थे, जैसे जिनको डायबिटीज है या कैंसर पेशेंट्स जो कीमो लेते थे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती थी, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती थी, तो उनमें भी ये काफी केस देखे जाते थे। पर यह है कि पहले जो इसमें मेडिसिन नहीं थी तो 90% ऑफ द पेशेंट्स में डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते थे, लेकिन अब क्या है कि जो एंटीवायरल्स आए हैं, जो इंजेक्शन आए हैं, तो इसमें काफी लोग बच जाते हैं इससे जी। तो आपको लग रहा है कि ये पहले से बीमारी थी लेकिन इम्यूनिटी लोगों की कम हुई, किसी की कोरोना की वजह से, किसी की दूसरे कारणों से, और उसके बाद उन पर अचानक ये अटैक हुआ है, इसके लिए कोई बहुत खास बात जिम्मेदार नहीं। देखिए, ये जो ब्लैक फंगस है ये एनवायरमेंट में है, आप सैंड में है, डस्ट में है, तो ये हमारे नाक और मुंह से पहले भी बीच जाता था, लेकिन क्योंकि इम्यूनिटी ज्यादा होने की वजह से तो ये हमको अफेक्ट नहीं करता था, तो डेंजरस नहीं होता था। लेकिन अभी इस टाइम आफ्टर कोविड, जो कोविड रिकवरी के बाद भी पेशेंट्स हैं,
उनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, तो उनको ये ज्यादा परेशान कर रहा है, ज्यादा डेंजरस है। और ये नाक से होते हुए फिर आंख में जाता है, इसकी जड़ें आंख में जाती हैं एंड फिर बोन्स तोड़ते हुए दिमाग में भी जाते हैं। तो इसमें अगर हम आंखों की बात करें तो आंखों में स्टार आईज की प्रॉब्लम होती है, हमें रेडनेस आ जाती है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कंजक्टिवाइटिस है या ये ब्लैक फंगस का इफेक्ट है, लेकिन उसको हम नाक के द्वारा पहचान सकते हैं। ये ब्लैक कलर की क्रस्टिंग कर लेता है और उस क्रस्ट से हमें पता लग सकता है कि हाँ ये ब्लैक फंगस ही है। तो कुछ लोग डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहे, लेकिन आंखों में जो इफेक्ट आ रहा है उससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे किसी की आंख जो है आई बॉल है वो बड़ी हो जाती है, किसी की आईलेट गिर रही है, डबल विजन की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन दैट केस मैं चाहता हूं कि कोई भी पेशेंट जिसको अगर आंखों में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कंसल्ट करे और अपना टेस्टिंग कराए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा कि आंखों में और नाक के जरिए ऐसा हो सकता है और बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अब होम्योपैथिक के आस्पेक्ट पे बात करते हैं। डॉक्टर एसपीएस बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर बख्शी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। होम्योपैथी एक ऐसी मेडिसिन साइंस है, एक ऐसी विधा है चिकित्सा की जिसके बारे में बहुत से लोग बहुत गहरा यकीन रखते हैं और बहुत से लोगों को बहुत सारे शक हैं, बहुत सारे उनको संदेह हैं उनके मन में। तो अभी कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया जिनको माइल्ड इन्फेक्शन थे। ये कैसे संभव हुआ और होम्योपैथिक इलाज कितना कारगर है सर? मैं पहले से एक बात आपसे बोलना चाह रहा हूं जी, कि आप सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, इम्यूनिटी। जी जी, आपको इम्यूनिटी के लिए समझना पड़ेगा, इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए क्या करना चाहिए हमारे को। जो तीन प्रिंसिपल्स है वो उसको तो आपने फॉलो करने करना है, नाक को कवर करना है, डिस्टेंस रखना है, हाथ धोने हैं। लेकिन इसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप स्टीप इनहेलेशन दिन में दो बारी कम से कम लीजिए सुबह शाम। और अगर किसी हॉस्पिटल में गए हैं या किसी क्राउडेड प्लेस में होकर आए हैं तो आपको दिन में तीन बारी स्टीम इनहेलेशन लेनी है जी। स्टीम से आपकी कंजेशन एलर्जी से कंट्रोल रहेगी। प्लस साथ में इसके होम्योपैथी के साथ या एलोपैथी के साथ आपको अलोम विलोम जो योगा में बताते हैं ये बहुत जरूरी है आपके लिए। लोग बैलूनिंग बोलते करो, नाक बंद होने मत दो, ठंडी चीजें मत खाओ। डाइट प्रिकॉशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप ठंडी खट्टी चीजें खा रहे हैं और आपकी गला सेंसिटिव है एलर्जीज की वजह से तो इन्फेक्शन पकड़ी जाती है आपको। नहाने के बाद सुबह मैंने देखा है कि सरसों का तेल लगाना नाक के नॉस्ट्रिल्स में बहुत जरूरी है। और जैसे ही सिम्टम आए अनकॉन्फिडेंट, अभी सब डॉक्टर्स ने इतने केसेस नहीं देखे हैं, सबका जो एक्सपीरियंस है लिमिटेड है इसके ऊपर, लेकिन अगर प्रिकॉशन लिया जाए और शुरू से ही तो पकड़ा जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब प्रॉब्लम फेस क्या है कि जैसे फ्रीडम मिलती है लोग भागते हैं और मास्क पर चिन मास्क बना लेते हैं। थिंग्स वेरी लाइकली शादी के फंक्शन बड़े कर रहे हैं, आपको फंक्शन में जाना ही नहीं है, अब मना कर दीजिए कि ये साल तो मेरे को अपने आप को जीना है। जीने का क्या है, आपको आपको अलग रहना है जब तक इन्फेक्शन खत्म नहीं होगी। जैसे दिल्ली में आज 250 केसेस आ गए हैं, लेकिन अगर प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो वही हाल हो जाएगा, दो महीने में थर्ड वेव आएगी और 30,000 केस। और आप ध्यान से देखो, ज्यादा लोग मर नहीं रहे इसमें, ओनली 1% इस बारी सेकेंड वेव में ज्यादा लोग मरे हैं जी। अगर आप प्रिकॉशन देंगे और साथ में इम्यूनिटी के लिए होम्योपैथी दवाई लें, और मैं एक स्टेप और आगे बोलता हूँ जी, आप एलोपैथी भी ले रहे हैं साथ में होम्योपैथी भी लीजिए, नेचुरोपैथी भी करिए, योगा भी करिए, सो दैट ये साल आपका ठीक टाइम निकल जाए जी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर बख्शी, आप कह रहे हैं कि एलोपैथ के साथ साथ भी होम्योपैथ का प्रयोग किया जा सकता है और बहुत डिसिप्लिन रहना होगा, बहुत अनुशासित रहना होगा, बिल्कुल भी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से बचना है। यही आपकी बात का लब्बुल हुआ था। हम बात को आगे बढ़ाएंगे, इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको समझना आप सभी से बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके पहले मुझे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक से वापस आते ही अपने तीनों डॉक्टर से हम बात करेंगे, उनसे समझेंगे आगे की बातें ब्रेक के बाद। लगता है चैंपियंस घर गए, चलिए अब अगले साल दौरा। एक मिनट जम्प। बट सर कपड़े जम्प। ए
इसीलिए कहता हूँ काम पे ध्यान दो, दाग पे नहीं। निर्मा एडवांस के माइक्रोबस्टर्स, जिद्दी दाग मिटाए बड़ी आसानी से। वैक्सीन लगाने मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर। और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। आपका स्वास्थ्य और सर्वोत्तम देखभाल है हमारी प्राथमिकता। आपकी सेवा में सदैव समर्पित मेडविन हॉस्पिटल, NABH मान्यता प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैदागेन वाराणसी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सुरक्षा अपना कर, सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोच बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी, मास्क फिर भी लगाना है, दो गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, और वैक्सीन लगाने मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर। और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में।
इस वक्त हम तीन डॉक्टर्स से समझ रहे हैं कि संजीवनी मंत्र क्या है कोरोना से सुरक्षा का। और डॉक्टर दिव्यांग पाठक से हमने बात शुरू की थी। डॉक्टर पाठक, आप बता रहे थे कि छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, हाँ 15 से 25 वर्ष की आयु के जो किशोर हैं, जो युवा हैं, उनको बहुत संभाल कर रहना है, बहुत सतर्क रहना है ताकि वो अपना बचाव कर सकें। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप मेडिसिन के लेवल पर या जीवन शैली के स्तर पर उनके लाइफ में अगर आप जोड़ना चाहें, उन्हें बताना चाहें तो अवश्य बताएं। देखिए, मेडिसिन के लेवल पे अगर आपको सुनना है, ये जानना है, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन, सबसे पहली चीज हम लोग को ये समझनी होगी कि जितनी भी एजिथ्रोमाइसिन है या आइवरमेक्टिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, इस तरह की मेडिसिन, रेमडेसिविर, बहुत सारी मेडिसिन बीच में आई और बहुत ये हुआ कि ये सारी चीजें मेडिसिन देनी है। बट इनके जितने भी स्टडीज आए उसमें ये निकल के आया कि ये मेडिसिन कारगर नहीं है, ये इस पे अफेक्ट नहीं करती है। तो पहले हम लोग को ये समझना है कि जो स्टडी बेस्ड प्रोटोकॉल्स हैं उस पर हम लोगों को स्टिक रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई बच्चे को, जैसे बच्चों में सिम्टम्स और बड़ों में सिम्टम्स अलग अलग आते हैं। बच्चों में सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ खांसी, सांस फूलना, सिर्फ सैचुरेशन कम होना, यही जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि उनको सिर्फ दस्त हो, सिर्फ पेट में दर्द हो, सिर्फ लैट्रिन हो रही हो, उल्टियां हो रही हो, ये भी ऐसे कोरोना के पेशेंट्स हो सकते हैं। जी जी। तो ऐसे बच्चों में हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, ये देखते हैं कि पहले कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था, और जो ट्रीटमेंट होता है वो वैसे ही ट्रीटमेंट होता है जैसे पहले किसी एक नॉर्मल वायरल पेशेंट के बच्चे के ट्रीटमेंट करते थे। ठीक। उसमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट अलग से नहीं करते। जी। जो नया एक एंटिटी आ रहा है MISC करके, जो सीरियस एंटिटी है, उस पर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। उसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे आपके बहुत ज्यादा फीवर आना बच्चे को 103-102 लगातार 2-3 दिन के लिए, या आंखें लाल होना, रैशेज आ जाना, बहुत ज्यादा लैट्रिन होना, तो उसमें आप बिल्कुल भी अपने इसको, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर पाठक बताई बात आपने, ये भी सिम्टम हो सकते हैं, ये हमारे दर्शकों को जरूर नोट करना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। डॉक्टर मनदीप, आपसे हम ब्लैक फंगस की बात को आगे बढ़ाते हैं, मेरा ये आखिरी सवाल है, मैं चाहूंगा कि कंक्लूडिंग जो रिमार्क है आपका वो दर्शकों को आसानी से समझ में आए। क्या उनको बातें ध्यान में रखनी है जो तत्काल उनको नोटिस करते हुए डॉक्टर के पास जाना है अगर इस प्रकार की कोई आशंका दिखाई दे तो? तो उनसे मैं यही कहूंगा कि वो गार्डनिंग ना करें, मिट्टी में ज्यादा ना जाए, दे हैव टू वेयर द मास्क। और इवन कोविड के दौरान भी जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जो घर से आइसोलेट होकर अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स घर पे यूज कर रहे हैं उसमें जो ह्यूमिडिटी फायर होता है उसको सही से स्टराइल करें, जो उसमें पानी यूज होता है उसको रोज चेंज करें, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि इसका यूज कैसे करते हैं जो घर से ऑक्सीजन का यूज कर रहे थे बिकॉज बेड अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो आगे इसका ध्यान रखें। डायबिटीज पेशेंट्स जो है उनको भी बहुत ध्यान रखना है इस टाइम, क्योंकि आप देख रहे हैं कई स्टेट्स ने इसको एपिडेमिक का ब्लैक फंगस बता दिया है, तो बहुत सारे पेशेंट्स को हो रहा है, तो डायबिटीज पेशेंट्स को भी बड़ा ध्यान रखना है। जो इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनको भी इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी डस्ट में बाहर ना निकले, एंड अभी क्योंकि गार्डनिंग का बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, दे वॉन्ट टू टेक ऑक्सीजन, उनको अच्छा लगता है पेड़ों के पास जाना, तो उससे अभी दूर रहे। जी जी जी, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि गार्डन से भी अभी दूर रहना है फिलहाल और कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है। डॉक्टर बख्शी, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आखिरी में कही थी कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ये पूरे वर्ष कर सकते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी ऑप्टिमम पर रहे और आपकी सुरक्षा हो सके, इसी बात को कंक्लूड करिए सर। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि हमने होलिस्टिक हॉस्पिटल में ही अप्रोच रखी है, उसमें किसी की ईगो नहीं आ रही, हमने पेशेंट को ठीक करना है, इसलिए चाहते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका गला सेंसिटिव है ठंडी खट्टी चीजें नहीं खानी है, गले में इंफेक्शन नहीं आने चाहिए, कागज करना है, स्टीम लेना है और सरसों का तेल लगाना है और दूर डिस्टेंस रखना है, सब डिस्टेंस के ऊपर जोर लगा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखो, बिल्कुल कंट्रोल रहेगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, और डाइट में अगर खाने में कोई बात अगर आप मेंशन करना चाहें जो बिल्कुल ही लेनी है सभी को? नहीं, लेने के मैं नहीं बोलूंगा कि वो गलती से ओवरडोज हो जाएगी। एक्सरसाइज, कोक, पेप्सी, ठंडी एनर्जी ड्रिंक,
जिनका गला सेंसिटिव है, ठीक है, ठीक, उनको ये चीजें अवॉइड करनी है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, डॉक्टर पाठक, डॉक्टर मनदीप, डॉक्टर बख्शी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी उपयोगी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो चाहे वो बच्चों में कोरोना इन्फेक्शन के होने की बात हो, तीसरी वेव में, या ब्लैक फंगस का खतरा हो, या होम्योपैथिक दवाओं का ट्रीटमेंट हो, इस पे आपने अभी उपयोगी जानकारियां ली, आशा है आपको इससे लाभ अवश्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। सुना है एगो नीमन चप्पल दिखावा भाई। नीमन चाही तो के है ले, रिलैक्स सॉलिड तोहरा जैसन, स्मार्ट हमरा जैसन। अरे ये टूटी तो नहीं। ओ ये धरती पर नया आइल बाड़े का, ये है रिलैक्सो, बहुत मजबूत। तहरा ऊपर टेस्ट करी ना भैया, पैक कर दे। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। कोरोना पर वार कर रही है योगी सरकार। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, संकल्प हो तो उससे निपटने की शक्ति आ ही जाती है। यही संकल्प यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को संकट से निकालने के लिए लिया, और कोरोना कंट्रोल का योगी मॉडल बाकी राज्यों को रास्ता दिखा रहा है। दमदार योगी मॉडल के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। इलाज की समुचित व्यवस्था और बेहतर प्रबंधन के बूते लगातार 42 दिन से रोज केस घट रहे हैं। इस तरह अब तक 5 करोड़ 30 लाख टेस्ट करने वाला यूपी अकेला राज्य है। कोरोना की दूसरी लहर से मुकाबले में योगी मॉडल ने ब्रह्मास्त्र का काम किया। यही वजह है कि WHO और नीति आयोग ने यूपी में निगरानी समितियों के जरिए गांव-गांव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले की सराहना की है। प्रदेश में टीकाकरण का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। काफी अच्छे कदम उठाए हैं, इसमें भी कोरोना वैक्सीनेशन भी साथ साथ चलता रहेगा, और उसमें जो इन्होंने सबसे अच्छा किया है कि ट्रेसिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है और ट्रीटमेंट करना है, तीनों साथ साथ चलेंगे। एक दिन में 461,412 लोगों को डोज दी गई। जितना अर्ली एंड एग्रेसिव हमारा कैंपेन होगा, हम उतनी जल्दी अधिक से अधिक लोगों की जान को बचा पाएंगे। और उसका परिणाम मिला कि हमने पहले चरण में निगरानी समितियों के माध्यम से दवा पैकेट घर घर भेजना प्रारंभ किया। सेकेंड वेव पर हम लोग लगभग नियंत्रण करने में पूरी तरह सफल है। कोरोना पर वार कर रही है योगी सरकार। लगता है चैंपियंस घर गए, चलिए अब अगले साल दौरा। एक मिनट जंप। बट सर कपड़े। जंप। इसीलिए कहता हूँ काम पे ध्यान दो, दाग पे नहीं। निर्मा एडवांस के माइक्रोबस्टर्स, जिद्दी दाग मिटाए बड़ी आसानी से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार कोरोना काल में जरूरतमंदों और गरीबों के साथ खड़ी रही है। यही वजह है कि योगी सरकार ने जरूरतमंदों को राशन के साथ साथ गुजारा भत्ता भी दिलाया। यूपी की योगी सरकार लगातार प्रदेश के गरीबों, जरूरतमंदों और श्रमिकों के हित के लिए काम कर रही है। कोरोना काल में जीविका को लेकर सबसे ज्यादा यही वर्ग प्रभावित हुआ है। इनके दर्द को समझते हुए सरकार इनकी बेहतरी की कोशिश में है। इसी मकसद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 लाख श्रमिकों के बैंक खाते में 230 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। इससे हर श्रमिक को हजार रुपए भरण पोषण भत्ते के तौर पर मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिकों की हितों की रक्षा करते हुए कोरोना संक्रमण की चेन को कमजोर करने वाला यूपी पहला राज्य है। यूपी की योगी सरकार द्वारा केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश में 14 करोड़ 71 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। सीएम योगी का स्पष्ट निर्देश है कि एक भी जरूरतमंद राशन से वंचित न रहे। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने विगत वर्ष लॉकडाउन के दौरान ही यह व्यवस्था भी दी कि कोई भी कामगार और श्रमिक होगा, राशन कार्ड हो न हो, हम उसको पहले 15 दिन का राशन देंगे। इन 15 दिनों में उसके लिए राशन कार्ड बनाएंगे, और इन 15 दिनों के अंदर राशन कार्ड बनाने के साथ साथ उसको राशन उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। पिछले 24 घंटे में यूपी में 3,05,731 लोगों की जांच की गई, जिसमें महज 642 नए केस आए, जबकि 1,231 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी में जितने कुल एक्टिव केस हैं, उससे ज्यादा रोजाना नए केस दूसरे राज्यों में आ रहे हैं। यूपी देश में सबसे अधिक टेस्ट करने वाला राज्य बना हुआ है। यहां अब तक 5,25,03,838 सैंपल की जांच की गई। यूपी में अब तक कुल 2,15,65,323 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। योगी सरकार 14 जून से गरीब तबके से जुड़े लोगों का अलग से निःशुल्क टीकाकरण कराएगी।
विश्वास, पक्षी को अपने पंखों पर, बच्चों को अपनी माँ पर, भारतीयों को स्टार हेल्थ पर, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, सदैव आपकी सेवा में। हेडलाइंस के प्रस्तुतकर्ता राजेश मसाला और राघव भोगचक की आटा टेस्ट में जबरदस्त ट्राई कीजिए। नहीं नहीं, उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, दिल्ली में हार्ट अटैक से हुआ निधन, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति। इंदिरा हृदयेश के निधन से उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर, देहरादून में कांग्रेस दफ्तर पर भी पसरा सन्नाटा, हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष के आवास पर जुटने लगी भीड़। आज दिल्ली दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम, हफ्ते भर के भीतर दूसरी बार दिल्ली दौरा। बलिया बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के फिर से बिगड़े बोल, कहा 370 पर दिए बयान को लेकर दिग्विजय सिंह पर दर्ज हो देशद्रोह का केस, सरकार दिग्विजय को भेजे पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर है, डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का सुबह निधन हो गया है। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की सीनियर लीडर, और कल बड़ी अपडेट है, कल उनका अंतिम संस्कार होगा, हल्द्वानी में उनका अंतिम संस्कार किया